ओम शांति। कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें देख के हमारे मन में क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, उनका कर्मा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फल मीठा मिल रहा है, सफल हो रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस उठते हैं कि कर्म ऐसा है और सफलता मिल रही है, समझ में नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि मतलब जो लोग गलत करते हैं ना, सफल फिर वही होते हैं, राइट? तो आज हम मेडिटेशन करेंगे अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, लेकिन कर्मों के सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कर्मों का सिद्धांत 24 घंटे कार्य करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा कार्य करती है ना, जैसे ये कैप है, ये कैप मेरे हाथ में है, इसे आप छोड़िए नीचे की तरफ ही जाएगा, इसे मैं दोबारा छोड़ूं तो भी नीचे ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है इस बार छोड़ ऊपर चला जाएगा, नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही कार्य करता है हमेशा। वैसे लॉ ऑफ कर्मा भी ऐसे ही कार्य करता है, वो हमेशा हम जहां भी चलते हैं हमारे साथ साथ चलता है। अब जो लोग कुछ प्राप्त कर रहे हैं, आपको सफल दिख रहे हैं, वो लोग हैं जो बीज पास्ट में डाल के आए हैं। अगर कोई व्यक्ति आज आम का फल खा रहा है तो 5 वर्ष पहले उसने आम का बीज डाला है। हम आज देखते हैं कि वो आम का फल खा रहा है और नीम का बीज डाल रहा है। नीम का बीज तो वो आज डाल रहा है, लेकिन आम का फल वो पहले डाल के आया है, तो आम का फल तो आज खाएगा ना। कर्मा इस तरह चलता है, ठीक है? तो आज अगर हमें कुछ सहन करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, हम किसी चीज से सफर कर रहे हैं, हमारे ढेर सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो ऐसे में हम यही कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया था जो मुझे सफर करना पड़ रहा है। आज अगर मैं सफर कर रहा हूं अच्छा कर्म करने के बावजूद भी, तो ये मेरे पास्ट कर्मा का परिणाम है। पास्ट को तो मैं जाके नहीं बदल सकता, लेकिन प्रेजेंट मेरे हाथ में है। प्रेजेंट में मैं आम का बीज डाल सकता हूँ, राइट? तो अभी हम आम का बीज डालेंगे। सबसे पहला अटेंशन तो हमें एक रखना है कि हमें संकल्पों का बल जमा करना है। हमें अब किसी भी आत्मा को कोई दुख नहीं देना है, किसी के साथ कोई कड़ा अकाउंट नहीं बनाना है, सबको क्षमा करते चलना है। पहले ही अकाउंट के कारण तो आज भुगत रहे हैं, जो पहले नीम का बीज डाल के आए थे अभी वो कड़वा फल खा रहे हैं, अब नहीं, अब आम का बीज डालेंगे, राइट? वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्तों की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये सब पास्ट के डाले गए बीज हैं, अभी सेटल करते हैं, आराम से कर सकते हैं, राइट? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने एटीएम में, जो पाप और पुण्य का एटीएम है, उसमें थोड़ा पुण्य जमा करना है। जो पाप का खाता है उसे थोड़ा कम करना है, पुण्य का बढ़ाना है। तो एक कार्य शुरू कीजिए, इसका रिटर्न बहुत फास्ट है। जब सोने जाएं तो सोने से पहले हमने ये आप याद रखेंगे, पानी सामने रख लेंगे सबसे पहले, और कहेंगे, बड़े दिल से कहना है, इस जन्म में और पिछले जन्मों में मैंने जिन आत्माओं को भी दुख दिया है, मैं उन आत्माओं से अपने हृदय की गहराई से माफी मांगता हूं। हे आत्माएं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, आप मुझे क्षमा कर दें, राइट? इसे आप 3 बार कम से कम कहें, 7 बार कहें तो और बढ़िया। ये कहने के बाद आप कहेंगे, इस जन्म में और पिछले जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे सहयोग दिया है, मैं उन आत्माओं को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। 7 बार कहना, वो पानी उठा के पी लेना और सो जाना, ठीक है? ये काम रोज करना है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे 7 दिन करके देखिए और परिणाम देखिए। ये है प्रेजेंट में आम का बीज डालना, ठीक है?
पास्ट में जाके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट तो हमारे हाथ में है ना। अभी हम यहाँ से वाइट एनर्जी डालेंगे, आम का बीज डालेंगे और फिर भविष्य में आम का ही फल खाएंगे। कोई भी कर्म जो आज हम करते हैं वो भविष्य में रिटर्न होना है। एक सेकंड बाद भी भविष्य है, वो एक सेकंड बाद भी आ सकता है, एक मिनट बाद भी, एक घंटे बाद भी, एक महीने बाद भी, एक वर्ष बाद भी, और एक युग बाद भी, कभी भी आ सकता है। चलिए, तो ऐसा संकल्प है कि अभी हमें ना 5 संकल्पों पे अभ्यास करना है। छोटा सा मेडिटेशन आपको करा देते हैं, बाकी आप इसका विस्तार कीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब बैठें तो ये सब माफ़ी मांगने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें। सबसे पहला स्वमान, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। इससे क्या होगा, मैं आत्मा संकल्पों का बल जमा करूँगी। दूसरा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तीसरा, मैं पुण्य आत्मा हूँ। चौथा, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। पांचवा, मैं शांत चित्त हूँ। 5 अफर्मेशन अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए ये स्वमान यूज करने हैं। पहला, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी हूँ। दूसरा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तीसरा, मैं पुण्य आत्मा हूँ। चौथा, मैं भाग्यवान हूँ। और पांचवा, मैं शांत चित्त हूँ। चलिए मेडिटेट करते हैं, इस पर रिलैक्स होके बैठें और शुरू करें। मस्तक के बीच बुद्धि को एकाग्र करें, शरीर को ढीला कर दें, कांधे ढीले, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और एक विचार करें, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं, श्रेष्ठ संकल्पधारी हूं। मेरे संकल्प महान हैं। मैं एक महान आत्मा हूं। मस्तिष्क के नीचे संपूर्ण एकाग्र हो जाएं और देखें जैसे खाली कमरे में एक बल्ब चलता है, वैसे मेरे देह रूपी मकान में आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है। उसे देखकर विचार करें, मैं एक महान आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मुझसे कल्याणकारी प्रकाश निकल मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। मुझसे निकल दूर दूर तक फैल रहा है। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाएं और देखें सभी आत्माएं दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाएं और देखें सभी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। विचार करें, मैं एक पुण्य आत्मा हूं। मैं हर एक आत्मा को पुण्य दान कर रही हूं।
और संकल्प करें हे आत्माएं सभी सुखी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं। देखें मुझसे सफेद प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। प्रत्येक आत्मा को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो रही है। मैं बहुत भाग्यवान हूं, स्वयं भगवान की भुजा बन सर्व आत्माओं का कल्याण कर रही हूं। देखें अपने सर के ऊपर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियों की रिमझिम हो रही है। ये रिमझिम मुझ में समाकर दूर दूर तक बरस रही है। मैं आत्मा शांत हूं, बहुत शांत हूं, शांत हूं, संतुष्ट हूं, शांत हूं। ओम शांति। ये अभ्यास अगर हम कुछ दिन करते हैं और माफ़ी मांगने वाला भी इसके साथ करते हैं तो हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होने लगता है, पुण्य का खाता जमा होता है, सभी आत्माओं को ब्लेसिंग्स देनी है हमें और किसी से कोई शिकायत ना रहे अभी। ओम शांति।